नमस्कार दोस्तों, एबीपी पॉडकास्ट में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आज इस सीरीज में इस हफ्ते हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़ रही है जो भारत को फिट इंडिया रखने की मुहिम में सबसे आगे खड़े हुए हैं। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, भारत के युवा कार्यक्रम व खेल मंत्री किरण रिजिजू जी। किरण साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी पॉडकास्ट में, हमारे शो में जिसका नाम है कार में पत्रकार। नमस्कार सुमित, बहुत अच्छा लगा आपका ये नया कार्यक्रम और काफी उत्साहित है। मुझे लगता है कि सबको अच्छा लगेगा आपका ये कार्यक्रम और ये पर्टिकुलर शो। थैंक यू सो मच किरण सर। मैं ये जानना चाहूंगा आपसे, आप खेल मंत्री हैं और आज सुबह आपने कौन सा खेल खेला यहाँ आने के पहले? मैं तो खेलता नहीं हूँ, वॉक करता हूँ, थोड़ा सा 10-15 मिनट का कुछ एक्टिविटीज करता हूँ और कभी कोई विजिट करेंगे कोई स्कूल स्पोर्ट्स एकेडमी कहीं जाता हूँ तो थोड़ा सा ऐसे टाइम पास के लिए खेल लेता हूँ 10-15 मिनट। लेकिन आजकल तो समय नहीं है, पूरा दिल लगा के खेलने का वक्त मिलता नहीं है। पर मैं आपके वीडियोस देखता हूँ, मैं आपको फॉलो करता हूँ सोशल मीडिया पे, इंस्टा पे, ट्विटर पे, बड़े फिट हैं आप, टच वुड। और ये फिटनेस का राज क्या है? थैंक यू वेरी मच। आपको अगर फिट लगता है तो अच्छी बात है, जो इम्प्रेशन है अगर पॉजिटिव है तो अच्छी बात है। लेकिन मैं कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करते रहता हूँ, फिजिकल एक्टिविटीज करता हूँ तो उसमें अपना फिटनेस भी मेंटेन हो जाता है और दूसरा को बताने भी अच्छा लगता है। अगर कुछ अनफिट है तो दूसरा को फिट रहो कहने से कुछ होता नहीं है, इसलिए उसका प्रेशर भी है कि खुद को भी फिट रखना है। जी, तो मैं देखता हूँ आप काफी जिमिंग करते हैं, आप काफी एथलेटिक एक्टिविटीज करते हैं, तो कोई खास पर्टिकुलर एक्सरसाइज, योगा या एरोबिक्स, क्या पसंद है आपको? और एक पर्टिकुलर रिजिम भी है मेरे पास में, क्योंकि जिम जाने के लिए तो आपको बिल्कुल आपका रिजिम जो है फिक्स होना पड़ेगा। हम लोग इतना ट्रैवलिंग करते हैं तो जिम तो मिलता नहीं है, तो दिल्ली में रहता तो कभी कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब जाता हूँ, कभी सामने में जहाँ फैसिलिटी मिलता है जाते हैं, अदरवाइज तो ट्रैवलिंग में रहता है तो कोई इस तरह से प्रोफेशनल तरीके से वर्कआउट नहीं करते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, नॉर्मल पुशअप करते हैं, नॉर्मल थोड़ा सा जॉगिंग करते हैं और कभी कभी योगा भी कर लेते हैं। और ये फिटनेस को देखकर वाकई में मेरे ख्याल से आपकी कैबिनेट के बहुत से मिनिस्टर्स भी इंस्पायर होते हैं, मुझे आपके वो वीडियोस याद है। इनफैक्ट आपने तो अपने घर में, अपने गार्डन में कई सारी चीजें कर रखी है, कई सारी एक्टिविटीज आप करते रहे, am I right? हाँ, वो जैसे कि यहाँ दौड़ने के लिए साइट में बना के रखा है और एक कोर्ट बना के रखा है और यहाँ पे बच्चे का खेलने का जो भी फैसिलिटी है, तो वो माहौल बनाने के लिए। अपने घर में तो स्पोर्ट्स का प्रॉपर फैसिलिटी तो नहीं रख सकते हैं, लेकिन ऐसे माहौल रखने के लिए तो जो मौका मिलता है वही पिकअप करो, ऐसा है। हम लोग तो इस उम्र में कोई फिक्स तो हो नहीं सकते कि यही खेल खेलना है, जो मौका मिला वही खेल लिया। इनफैक्ट जो अभी इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं उन तमाम लोगों को मैं बोलना चाहूंगा, ये होता है रोल मॉडल। अगर आप स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, अगर आप यूथ अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, तो आपको वैसी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना चाहिए। और किरण रिजिजू से इस बात सीखनी चाहिए हिंदुस्तान के तमाम युवाओं को कि युवा होने का मतलब फिट होना भी जरूरी है। ये नहीं कि आप लॉकडाउन में हैं, आलस कर रहे हैं, पड़े हुए हैं, दिन भर टीवी पे लगे हुए हैं, सोशल मीडिया को देख रहे हैं, मोटे होते जा रहे हैं, ये सब चीजें नहीं है। अगर आपके पास इच्छा होगी तो आप फिट भी रह सकते हैं और किरण रिजिजू के इज द बेस्ट एग्जांपल। किरण सर, एक चीज बताइए, अब ये तो हमने फिजिकल एक्टिविटी की बात कर ली, मैं थोड़ा सा आपको दार्शनिक एक सवाल पूछना चाहता हूँ और मैं चाहूंगा आप जवाब भी उसी अंदाज में दें। अब किसी भी व्यक्ति के लिए उसके जीवन में स्पोर्ट्स की क्या इंपॉर्टेंस है और स्पोर्ट्स क्यों उसको खेलना चाहिए? देखिए, मैं ये मानता हूँ कोई भी इंसान अगर खेल को नहीं समझते हैं, खेल के भावना को नहीं समझते हैं, तो वो जिंदगी अधूरी है। A life without sporting activities is not a complete life. तो जिंदगी जो है, देखिए, एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट में जीते हैं हम लोग, तो जो लोग स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को जानते हैं वो बहुत कॉम्पिटिटिव भी होते हैं और किसी भी परिस्थिति का वो सामना कर सकते हैं। हार जीत को पॉजिटिव लेना, दोनों चीजें को हम लोग कहते हैं ना, हर चीज को स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होना चाहिए। तो ये खेल एक ऐसा चीज है कि जिंदगी भी अपने आप में खेल है, तो उसमें हार जीत होते रहते हैं, उतार चढ़ाव होते रहते हैं।
तो मैं समझता हूँ कि हर एक इंसान को कुछ ना कुछ खेल खेलना चाहिए। अब सपोज कोई 50 साल से ऊपर हो गया, उसके लिए भी तो खेल है ना, कुछ बैडमिंटन मारो, कुछ टेनिस खेलो या गोल्फ खेलो, कुछ भी। बिल्कुल, और वो पुरानी कहावत थी ना उस जमाने में जब बोलते थे कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। तो अब जो जमाना बदल गया है, अब पढ़ना लिखना भी जरूरी है और खेलना भी जरूरी है। खेलना जरूरी है और हमने स्लोगन बदल चुका है अब, खेलोगे कूदोगे बनोगे लाजवाब। तो अब पढ़ने लिखने से नवाब होते हैं लेकिन खेलने कूदने से लाजवाब होते हैं, तो हम लोगों ने स्लोगन भी बदल दिया है। क्या बात है। किरण भाई, आपको खुद कौन सा स्पोर्ट्स पसंद है, क्या देखते हैं? मैं तो बेस्ट एथलीट था स्कूल में, मैं बेस्ट एथलीट था और फुटबॉल वॉलीबॉल कुछ भी गेम मैं खेलता था और मैं लगातार बेस्ट एथलीट रहा हूँ अपने स्कूल में विदाउट कोचिंग विदाउट ट्रेनिंग। लेकिन बाद में जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में आए अपना बीए के समय में, तब से प्रॉपरली कॉम्पिटिटिव खेल छोड़ दिया और उसके फिर बाद में राजनीति में आ गए काफी कम उम्र में, तो फिर कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स खेलना बंद हो गए। लेकिन आज भी मैं कुछ भी खेल सकता हूँ, टेबल टेनिस बैडमिंटन फुटबॉल वॉलीबॉल आज भी खेल सकता हूँ, लेकिन अपने उम्र वालों के साथ। आपने आईपीएल देखा था अभी? कोई एक टीम पर्टिकुलर जिसको आप फॉलो करते हो अगर आप क्रिकेट देखते हैं तो? आईपीएल ऐसा है, क्रिकेट देखो बहुत लंबा गेम होता है, क्रिकेट जो है टेस्ट मैच 5 दिन का होता है और ये जो वन डे होते हैं फिर आईपीएल का जितना मैचेस 20-20 ये पूरा 5-6 घंटा का चलता है, तो उतना तो हम लोगों को बैठ के देखने का तो समय मिलेगा नहीं। कभी जैसे भारत फाइनल खेल रहा है, मान लो कोई इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट है, वर्ल्ड कप है कुछ है, जहाँ इंडिया फाइनल खेल रहा है, तो हम लोग समय निकाल के देखते हैं। अदरवाइज तो क्रिकेट लंबा गेम है तो मैं नहीं देख पाता हूँ। बाकी जो ओलंपिक स्पोर्ट्स है और जो जो कम समय में जिसका डिसीजन होता है वो तो मैं टाइम निकाल करके देखता हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। आई होप कि जो लिसनर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो काफ़ी आपकी बातें सुनकर इंस्पायर हो रहे होंगे और उनका भी खेल के प्रति और भारतीय टीम्स के प्रति उनका रुझान और बढ़ेगा। अब एक चीज़ बताइए किरण भाई, ओलंपिक्स को लेके क्या तैयारी चल रही है? ओलंपिक्स पोस्टपोन हो गए थे कोविड की वजह से, कब होंगे? इंडियन कंटिजेंट की क्या तैयारी है? देखिए ओलंपिक के लिए हम लोग तैयारी तो पिछले साल ही पूरा हो चुकी थी और पहली बार भारत का कंटिजेंट सबसे बड़ा होगा और बहुत ज्यादा प्लेयर्स क्वालिफाई भी हो चुके हैं, तो कोविड के चलते पोस्टपोन हो गया लेकिन तैयारी कंटिन्यूस रहा। और ये पेंडेमिक के समय में भी हम लोगों ने ऑनलाइन पूरा कोचिंग ट्रेनिंग और सपोर्ट सिस्टम को जीवित रखा और किसी भी खिलाड़ी को हमने कोई भी चीज का कमी होने नहीं दिया। और जैसे लॉकडाउन खत्म हो गया सबका हमने ट्रेनिंग भी शुरू करवा दिया। अब तो जो एलीट एथलीट्स है उसको छोड़ के भी जो जूनियर एथलीट्स है उनको भी हमने प्रशिक्षण केंद्र में बुलाना शुरू कर दिया है। तो मुझे लगता है कि जो अगस्त 23 को ओलंपिक्स फिर शुरू होंगे टोक्यो में, उसके लिए हमारा तैयारी पूरी है। तो क्या उम्मीद रखी जाए इस बार ओलंपिक्स में इंडियन कंटिजेंट से, भारतीय दल से? देखिए हमारा जो लॉन्ग टर्म प्लान तो अलग है, उसको मैं बाद में बताऊंगा जी। जो शॉर्ट टर्म है यानी कि जो ओलंपिक्स आने वाले टोक्यो ओलंपिक्स के लिए, और मैंने कई बार इस बात को जिक्र भी किया कि मेरे पास सीमित समय है, तो अभी तो मैं वर्ल्ड चैंपियन अपने आप में तो पैदा नहीं करा सकता हूँ क्योंकि समय सीमित है। तो जो ऑलरेडी टैलेंटेड, जो ऑलरेडी क्वालिफाइड हो चुके हैं, जो हमने सपोर्ट दे करके क्वालिफाई करने में मदद किया, उस लिमिटेड जो प्लेयर्स है उसको लेकर के मैं बोल सकता हूँ कि हमारा अच्छा मेडल तो जरूर मिलेंगे। पहले का रिकॉर्ड अगर हम तोड़ सकते हैं तो उसमें आश्चर्य नहीं होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म का बात तो जैसे मैंने कहा अलग से बोलेंगे। लेकिन टोक्यो ओलंपिक्स के लिए भी हमारा उम्मीद है कि हम पहले के मुकाबले अच्छा प्रदर्शन करेंगे। वेरी गुड, एंड आई होप एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट, अपने आपको भी, अपनी टीम को भी, अपनी कंटिजेंट को भी। अब मैं आपका लॉन्ग टर्म प्लान जानना चाहूंगा सर, क्योंकि मैं खुद एक एथलीट हूँ, मैं खुद एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ और बड़ा इंटरेस्ट लेता हूँ स्पोर्ट्स एक्टिविटी में, तो आप प्लीज इसको बताइए। देखिए हमने जब मंत्रालय संभाला, प्रधानमंत्री जी ने मुझे युवा कार्यक्रम और खेल विभाग को संभालने के लिए मौका दिया, तो हमने कुछ चीज को जानने का कोशिश किया। देखिए मेरा पास स्पोर्ट्स का नॉलेज और स्पोर्ट्स के बारे में जो मेरा रुचि है वो तो पहले से था, लेकिन मैंने एक व्यापक रूप से फिर से परिस्थिति को जांचते हुए
एक चीज को समझने की कोशिश किया कि हमको क्या करने से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो हमने पहला 3 महीने पूरा तैयारी करके जायजा लिया, फिर हमने सोची समझी एक पॉलिसी तहत घोषणा किया कि 2028 के जो लॉस एंजलिस में ओलंपिक्स होगा उसमें हम टॉप 10 नेशन में हमको एंट्री लेना है। तो टॉप 10 स्पोर्टिंग नेशन बनने के लिए जो जो तैयारी करना चाहिए वो हमने किया। अब मोटे तौर पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो टैलेंट स्काउटिंग है सबसे की किसी भी स्पोर्टिंग सक्सेस के लिए, कम ओवर में आइडेंटिफाई करके उसको ट्रेनिंग करके फ्यूचर चैंपियन बनाना, तो वो प्रक्रिया शुरू कर दिया। और आपके जानकारी के लिए हमारे यहाँ एक टॉप स्कीम चलते हैं, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। तो हमने इस साल से टॉप जूनियर स्कीम शुरू कर दिया है, जहां हम 8 साल 10 साल 15 साल से नीचे के जो बच्चे हैं उनको आइडेंटिफाई करके साइंटिफिकली उसको हम आइडेंटिफाई करके अपना ट्रेनिंग स्पेशल एकेडमीज में हमने भर्ती कर दिया, और उसको हर महीने 25,000 रुपया उनके अकाउंट में, क्योंकि वो अंडर एज है तो उनके अकाउंट मतलब उनके पेरेंट्स के साथ तालमेल करके उनको हमने पैसा डालना शुरू कर दिया, ताकि क्योंकि अभी कोई बच्चा 8 साल 10 साल के बच्चे हमारे एकेडमी में आ गए तो उसका फ्यूचर को भी हम प्रोटेक्शन दे रहे हैं कि अगर कुछ भी हो गया तो भी ये हर महीने 25,000 रुपया वो बच्चे के अकाउंट में जाएंगे, तो फ्यूचर सिक्योरिटी भी हो गया। ये किसी देश ने शायद आज तक इस व्यापक स्तर पर नहीं किया होगा, कोई कम्युनिस्ट कंट्री चीन या रशिया वगैरह में कुछ होता है, मगर अदरवाइज ऐसा पॉलिसी किसी सरकार ने नहीं किया, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक स्पोर्टिंग नेशन डेवलप करने के लिए खेलो इंडिया का जो कार्यक्रम चलाया उसको मैं जन जन तक पहुंचाना चाहता हूं। तो इसलिए ये टैलेंट स्काउटिंग एक तरफ चल रहे, दूसरा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, कि देश भर में 23 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस प्लस मोर देन 100 हम लोग का जो स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस प्लस 500 प्राइवेट स्पोर्ट्स एकेडमीज को सपोर्ट करना, जो इस मैसिव स्केल में जो हमने कार्यक्रम शुरू कर दिया, ये सबको मिलाकर के ही मैंने सोची समझी ये घोषणा किया कि 2028 तक हम टॉप 10 में पहुंचेंगे। ऐसा हवा में घोषणा करना अलग बात होता है, लेकिन ये जो मैंने एक टारगेट जो रखा है ये टारगेट हमने पूरा तैयारी करके ही घोषणा किया। और आप देखिए, आप भी बहुत ज्यादा उम्र नहीं हुआ, मेरा भी ज्यादा उम्र नहीं हुआ, 2028 के जब ओलंपिक आएंगे अमेरिका में, भारत वर्ल्ड के टॉप 10 ओलंपिक प्लेइंग नेशन में हमारा नाम दर्ज हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बड़ी उम्मीदों भरी आपने बात की है। हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप इसमें कामयाब हो, आप भी और आपकी मिनिस्ट्री भी। अब कितना बजट है इसके लिए, कितना पैसा लग रहा है इस पूरे प्लान के लिए? देखिए, बजट जो है, जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, हमारा जो मिनिस्ट्री का बजट है वो इस वक्त हमारे लिए काफी है। इस वक्त लगभग हम जो एथलीट्स के लिए, एथलीट्स डेवलपमेंट के लिए लगभग हम 2000 करोड़ का आसपास जो हमारा टोटल जो अभी चल रहा है वो मुझे लगता है कि काफी है, पर आज के लिए। भविष्य में और चाहिए तो हम फाइनेंस मिनिस्ट्री में प्रधानमंत्री जी से बातचीत करके और फंड ला सकते हैं। आज के दिन में हमारे मंत्रालय में जो बजट चल रहा है वो काफी है, और साथ में क्योंकि पैसे तो स्पोर्ट्स में तो और से भी आते हैं, प्राइवेट सेक्टर के भी आते हैं और CSR से भी मिलते हैं और PSU से भी, CSR जो हमारे स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड्स है उसमें भी आते हैं। तो मुझे लगता है कि आज के दिन में प्रधानमंत्री जी का सपोर्ट के वजह से, जो पहले के सरकारों में स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के पास बिल्कुल बजट बहुत कम होते थे, वो अभी वो परिस्थिति नहीं है। और एथलीट्स वेलफेयर के लिए भी हमने जो एनएफ फंड्स जो प्रोविजन रखा है उससे एथलीट अगर बीमार हो गया, या जैसे कि पूर्व ओलंपिक के हमारा प्लेयर्स कभी बीमार हो जाते हैं तो उसका इलाज के लिए पैसे देना, और इस तरह के जो नए एथलीट को सपोर्ट करना, पूर्व एथलीट को भी सपोर्ट करना, ये सारा कार्यक्रम हमारा जो बजट है उससे सही तरीके से चल रहे हैं। जी, अब एक चीज बताइए, कोविड की वजह से कई सारी एक्टिविटीज रुकी हुई हैं, कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स नहीं हो रहे हैं, अलग अलग हर विधा के नहीं हो रहे हैं, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कब से चीजें नॉर्मलाइज होने की ओर बढ़ेंगी? क्या हमको सबको कोविड की वैक्सीन का वेट करना पड़ेगा, उसके बाद चीजें नॉर्मलाइज होंगी, कैसे, व्हाट इज द प्लान अहेड? देखिए, कोविड वैक्सीन और कोविड को लेकर के जो चैलेंजेस है उसको तो आप मालूम है, प्रधानमंत्री जी, पूरे भारत सरकार
उसमें लगे हुए हैं राज्य सरकारों से बातचीत करके, वो एक टेक्निकल इशू है वैक्सीन वगैरह लेकर के, लेकिन हम उसके लिए तो रुक नहीं सकते थे। तो हमने एसओपी जारी किया अपने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के माध्यम से, हर खेल के अलग एसओपी, स्विमिंग के लिए अलग, एथलेटिक्स के अलग, फुटबॉल के अलग, तो हर गेम अलग होता है, कोई कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स होते हैं, कोई गेम ऐसे होते हैं एक दूसरे को प्लेयर्स छूते नहीं है, तो सब गेम का जो कैरेक्टर है नेचर अलग होते हैं। उस हिसाब से हमने एसओपी जारी करके अभी ट्रेनिंग तो चल रहे हैं। कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स जो है वो हमने कह दिया सारा फेडरेशन को कि अब आप कोई भी कंपटीशन करवा सकते हैं, लेकिन स्टेडियम में इस वक्त पब्लिक को परमिशन नहीं दिया गया है। तो विदाउट स्पेक्टेटर्स कोई भी स्पोर्टिंग कंपटीशन कर सकते हैं। ऑनलाइन हमने कुछ चैंपियनशिप करवाया जो ऑनलाइन हो सकते थे, तो मैंने इनॉग्रेट भी करवाया उसका, तो ऑनलाइन वगैरह अच्छा हुआ। लेकिन खेल तो वही है ना, जब तक स्टेडियम में खचाखच भरा नहीं होगा तब तक लगता भी नहीं है कि वो असली खेल हो रहा। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो फेडरेशन है वो इसके बारे में प्लानिंग करें। मैं अगले कुछ दिनों के बाद फेडरेशन से रिपोर्ट लेने वाला हूँ कि आपने स्पोर्टिंग कॉम्पिटिशन के लिए क्या क्या तैयारी की। दूसरे जो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन है उसका कैलेंडर तय है, तो उसके लिए तो पार्टिसिपेशन हम लोग करेंगे ही। और साथ साथ में हमारे जो कुछ लीग्स चलते हैं भारत में, जो प्राइवेट लीग चलते हैं, लेकिन वो फेडरेशन के सपोर्ट से ही लीग चलते हैं, जैसे कि आईपीएल चल रहे हैं आपको पता है, लेकिन देश से बाहर हो रहे हैं, आईएसएल है, टेबल टेनिस के यूटीटी है, बैडमिंटन लीग, बॉक्सिंग लीग, तो इस तरह के जो प्राइवेट कंपनीज जो लीग चलाते हैं उसको मैं इनकरेज करना चाहता हूँ। तो लीग वाला करेंगे तो हम परमिशन तुरंत देंगे, जैसे आईपीएल का मैंने तुरंत परमिशन दे दिया, भले ही वो देश के बाहर हो लेकिन हमने परमिशन दिया कि आप कीजिए। तो इसी प्रकार देश के अंदर में भी कोई भी लीग करना चाहते हैं तो उसके लिए परमिशन हम तुरंत दे देंगे। बिल्कुल, मैं ये मान के चलता हूँ कि कोविड प्रोटोकॉल को अगर फॉलो किया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का नियम कायदों का पालन किया जाए, बाकायदा बबल में प्लेयर्स रहें कंपटीशन शुरू होने के पहले, तो इस तरह की कॉम्पिटिशन की शुरुआत हो सकती है। और आईपीएल ने एक बढ़िया प्रेसिडेंट एक हमको दिखाया है। अब एक चीज़ बताइए किरण साहब, फीफा को लेकर क्या चल रहा है? अंडर 17 का कॉम्पिटिशन होना था विमेन का, वो होगा अगले साल नहीं होगा, कुछ तैयारी है उस बारे में? कुछ क्लैरिटी नहीं है। ऐसे हम लोग ने बहुत धूमधाम से फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप इंडिया में जो होना था वो इसी साल होना था, तो वो पोस्टपोन हो गए। तो मुझे भी खराब लगा कि सारा चीज तैयार हो गए थे, वेन्यूज तैयार हो गए, सारा स्ट्रक्चर बन चुके थे, तो ये मुसीबत आ गई। तो अभी मेरे पास में फीफा से जो खबर आया है कि जो सेकेंड डेट तय किया था वो भी फिर पोस्टपोन हो गया, यानी कि पहला डेट तो पोस्टपोन हो ही गया था, अब सेकेंड डेट जो फाइनल किया था फिर से पोस्टपोन हो गया, क्योंकि कोविड फिर से स्पायरिंग इफेक्ट हो रहे हैं, कुछ कुछ देशों में तो फिर से लॉकडाउन हो रहे हैं। तो जो नेक्स्ट डेट भी पोस्टपोन होने की वजह से मैं भी थोड़ा सा चिंतित हूँ, लेकिन भारत में ही होगा, उसमें तो कमिटमेंट फीफा ने दिया हुआ है। फीफा का जो वुमेन फुटबॉल का प्रेसिडेंट आए मुझे मिले और पूरे फीफा की टीम मुझे मिली, तो मुझे लगता है कि भारत को भरोसा तो है कि वो गेम तो भारत में ही होगा, लेकिन डेट को लेकर के थोड़ा सा असमंजस में है, क्योंकि परिस्थिति ऐसा है तो मैं भी कुछ कर नहीं सकता हूँ और कुछ ज्यादा बोल भी नहीं सकता। उम्मीद करते हैं कि जो भी होगा अच्छा ही होगा। थोड़ी सी राजनीति की बातें करना चाहूंगा मैं, और क्योंकि अभी अभी बिहार के चुनाव खत्म हुए हैं, एक यंग और फिट तेजस्वी यादव से मुकाबला हुआ, आपको क्या लगता है कि कहाँ बीजेपी और एनडीए स्कोर कर गया और कहाँ आरजेडी और यूपीए जो था या महागठबंधन जो था वो चूक गया, क्या कहना चाहेंगे आपका एनालिसिस? देखिए, मैं तो ज्यादा एनालिसिस तो नहीं देना चाहता हूँ, एक सिंपल मैं अपना ऑब्जर्वेशन देना चाहता हूँ। जी, राजनीति तो बदल चुके हैं भारत के, अब वो कास्ट पॉलिटिक्स, रिलीजियस पॉलिटिक्स, क्लैन, रीजनल पॉलिटिक्स तो खत्म हो गए। नरेंद्र मोदी जी ने पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस को सामने में ला के खड़ा कर दिया, आप परफॉर्म करोगे तो जनता आपको फिर से सेवा करने का मौका देगा। तो जो प्रधानमंत्री जी का पिछले 6.5 साल में जितना भी जो वेलफेयर स्कीम्स है और जो बड़े बड़े परियोजनाएं चलाए हैं वो सब तक पहुंचे, बड़े बड़े सड़कें बनाए हैं, हाईवेज वगैरह, पावर प्लांट्स वगैरह बनाया, सबके घर में बिजली पहुंचा, अच्छा रास्ता बन चुके हैं,
और लोगों को बेनिफिट सीधा सीधा आपका अकाउंट्स तक पैसा पहुंच रहा है, तो इसी के वजह से बिहार में फिर चुनाव जीते हैं। लोकल इश्यू कुछ भी हो सकता है लेकिन जीता तो है। तो ये जीतने का कारण ही वही है कि आज सबको पता है कि अगर विकास चाहिए तो नरेंद्र मोदी जी के बताए हुए रास्ते पे चलना होगा, तभी भारत का भविष्य उज्जवल है। ये एक लकीर पर लिख चुके हैं, सब ये मान चुके हैं। बिल्कुल। अब इसके बाद बंगाल भी आ रहा है, ममता दीदी वहां लगातार कई सालों से शासन कर रही हैं। आपको लगता है कि बंगाल में बीजेपी मुकाबला कर पाएगी ममता दीदी का? अरे मुकाबला तो छोड़िए, बीजेपी आगे निकल जाएगी, वहां जनता पूरा भरोसा करते हैं। मैं बंगाल बहुत बार गई और लोकसभा चुनाव में भी बहुत प्रचार के लिए भी गई, और हमारे कार्यकर्ताओं को जो वो मर्डर हुआ है, बहुत हमारे लोगों को मारे गए तृणमूल के गुंडों ने। तो मैं जब मैं होम मिनिस्ट्री में थे तब भी बहुत बार गए, और पर्सनली जो विक्टिम्स हैं उनके फैमिलीज के घर में भी गए मैं, तो उसका असर आपने देखा है लोकसभा चुनाव में। बहुत अच्छा हमारा पार्टी को सफलता प्राप्त हुआ, और जो चुनाव आने वाले विधानसभा चुनाव है उसमें तो कोई दो राय नहीं है कि मोदी जी के नेतृत्व में लोगों का जो समर्थन है वो बरकरार रहेगी और बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। वो तो बंगाल के सब लोग कह रहे हैं, टीएमसी और कांग्रेस और कम्युनिस्ट को छोड़ के। वहां के जनता तो यही चाहते हैं कि बंगाल भी हमारे, मैं क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से आता हूँ और नॉर्थ ईस्ट का जो द्वार है, विंडो है, वो बंगाल से है। और एक जमाने में तो हम दिल्ली कम आते थे, कलकत्ता ही जाते थे, कलकत्ता ही हमारा सब कुछ ट्रेड सेंटर थे, और कलकत्ता से लेकर के सिलीगुड़ी ये हमारा सब कुछ है। तो हम चाहते हैं कि बंगाल डेवलप हो। बंगाल डेवलप नहीं होने से उसका असर नॉर्थ ईस्ट को पड़ता है, पूरे ईस्ट इंडिया को पड़ता है। ईस्ट इंडिया का सबसे बड़ा राज्य पश्चिम बंगाल है, तो पश्चिम बंगाल को और ईस्ट इंडिया को डेवलप करने के लिए, नॉर्थ ईस्ट को डेवलप करने के लिए बंगाल को डेवलप करना जरूरी है। इसलिए बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना बहुत जरूरी है। पर अभी आप विधानसभा की स्थिति देखेंगे तो आप सबसे कमजोर पार्टी हैं, कांग्रेस और सीपीएम के सामने वो कहां तो हिस्ट्री हो गया ना। आप 2019 का लोकसभा चुनाव के बाद का परिस्थिति देखिए, अब तो हर दिन हजारों टीएमसी के जो वर्कर्स है वो भी छोड़ के बीजेपी आ रहे हैं। पब्लिक तो बीजेपी के साथ जुड़ चुके हैं। अब तो अब टीएमसी का आखिरी दिन है उनका, वो ज्यादा गुंडा राज या उनका जबरदस्ती वो ज्यादा दिन तो चलने वाला नहीं है, वो तो सब देख ही रहा है। एक आखिर सवाल, एक आखिर में बताइए किरण भाई, आप खाली टाइम में क्या करते हैं? खाली टाइम में फिल्में देखते हैं, नहीं देखते हैं? देखते हैं तो कौन सी म्यूजिक सुनते हैं या फिल्में देखते हैं, किस तरह, क्या शौक है आपके? खाली टाइम होते नहीं है, हम लोग का तो कोई ऐसा वक्त है नहीं जो खाली है, लेकिन आप अपना स्पेस क्रिएट करना पड़ता है। जैसे कि हम ट्रैवल कर रहे होते हैं या गांव में या दिल्ली में भी कुछ समय जो ब्रेक होते हैं, तो हम पुराने फिल्में देखता हूं और पुराने फिल्में के गाने सुनता हूं। मैं 1975-76 के बाद के गाना तो मैं सुनता नहीं हूं, क्योंकि उसमें मजा नहीं है, क्वालिटी नहीं है, क्लासिकल नहीं है, वो जी नहीं भरता है। तो 75-76 से पहले के जितने गाने हैं, खास करके 60s के और लेट 50s के, तो वो सब गाना सुनते रहता हूँ, तो उसमें बहुत मजा आता है और सुकून मिलता है दिल को, और आप बहुत खुशी रहती है इससे। तो ये एक है। दूसरा कुछ स्पोर्ट्स का, टेलीविजन और हमारे आईपैड या हमारे जो मोबाइल फोन में आजकल तो सब 4G है, तो स्ट्रीमिंग करके गेम देख सकते हैं, और कभी कभी यूट्यूब में पुराने पुराने जो स्पीचेस है, पुराने जो कुछ इंसिडेंट्स है, इवेंट्स है, वो भी देखता हूँ। तो ऐसे करके जो भी खाली समय है वो काफी नहीं होते हैं, क्योंकि तो बहुत फेवरेट गाना कौन सा है 60s का आपका, फेवरेट सॉन्ग? सारा उस समय आप कहेंगे कि ये मेरा फेवरेट है तो ना इंसाफी होगा दूसरा गानों का। हर गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है उस जमाने का। फेवरेट सिंगर किशोर कुमार, रफी साहब, मन्ना डे या कोई और? हाँ, उसमें उस जमाने के सिंगर्स को तो फेवरेट बोलना मुश्किल है, क्योंकि सब अपने आप में महान थे। जैसे मुकेश साहब का अपना एक अंदाज, मन्ना डे का अपना अंदाज, महेंद्र कपूर का अपना अंदाज, और मोहम्मद रफी, किशोर कुमार जो सबसे दो बड़े पॉपुलर सिंगर थे, और महिलाओं में लता मंगेशकर, आशा भोसले, हेमलता, और इवन यहाँ तक भी जैसे मुबारक बेगम, जिन्होंने बहुत गाने नहीं गाए लेकिन कुछ चंद गाने गाए, मुबारक बेगम, इस तरह के जो सिंगर्स थे,
एक एक गाना सुनने लायक है, तो उसमें तो उस जमाने में जो महान गायक थे उनका गाना और उस समय के जो संगीतकार, उस समय के जितने भी जो गाना लिखने वाले लेखक थे, सब महान थे। तो वैसे तो मोहम्मद रफी और किशोर कुमार का तो बात ही अलग है, वो तो सदियों में शायद एक पैदा होते हैं, कभी भी तो ऐसे पैदा भी नहीं होगा सदियों में, तो ऐसा सिंगर थे ये लोग जी। किरण साहब थैंक यू सो मच, आपने समय निकाला, वक्त दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी इस इंस्पिरेशनल बातचीत से कई सारे युवा यूथ जो स्पोर्ट्स को लेकर जिनके मन में शक और शुबा रहता है, उनको एक उम्मीद जगेगी कि भारत इस क्षेत्र में आपको आत्मनिर्भर बनाने की ओर आगे बढ़ चुका है। और 2027-28 तक आते आते भारत दुनिया के सबसे अधिक टैलेंटेड स्पोर्टिंग कंट्रीज में से एक होने वाला है। थैंक्स फॉर योर विजन एंड थैंक्स फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच किरण सर। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा, और आपके मीडिया के माध्यम से, आपके स्टूडियो से आप लोग भी फिटनेस को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते रहिए। जरूर, थैंक यू सो मच। तो ये था आज का एपिसोड ऑफ एबीपी लाइव पॉडकास्ट कार में पत्रकार। उम्मीद करता हूं आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप मुझे @AwasthiS या एबीपी न्यूज पे ट्वीट करके अपने सजेशंस और फीडबैक दे सकते हैं, जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो मुलाकात होगी अब आपसे अगले हफ्ते, तब तक जीवन में खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। नमस्कार। दिस इज एन एबीपी लाइव पॉडकास्ट।